नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। चुनावी बिगुल बज चुका है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है हापुड़ ये जानने के लिए कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता नेताजी के हर एक चीज को जानती है कि नेताजी उनके क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जनता के ही हाथ में है कि किसे वो वोट देकर उसकी सरकार बनवा दे। तो कैपिटल टीवी की टीम पहुंची हुई है हापुड़ में। तो हापुड़ के मैं इस कसेरट बाजार में मौजूद हूँ। आपने चाय पे चर्चाएं तो बहुत सारी सुनी होंगी, पर यहाँ पे गरम गरम समोसे आप देख सकते हैं कि तल रहे हैं और जलेबी भी है। पर मैं लोगों के पास तो आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि चाय पे चर्चा जब होती है या समोसे पे लोग चर्चा करते हैं तो राजनीति पे भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। क्या सुखबुगाहट नजर आ रही है, कौन अच्छा काम कर रहा है, इस मार्केट में लोगों की राय क्या है, जरा आप बताइए, क्योंकि आपकी नजर तो सब पे रहती होगी। मोदी जी का चुनाव चर्चा करते हैं और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। तो यहाँ पे लोग बैठ के मोदी जी की बात करते हैं समोसा खाते खाते? हाँ जी। क्या बोलते हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे वो हैं। मतलब मोदी जी को वोट देंगे, मतलब बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी। यहाँ पे कुछ काम हुआ है आपको लग रहा है? हाँ, बढ़िया काम हो रहा है जी। तो आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को देंगे जी। आप भी मोदी जी को ही वोट देंगे? चलिए, तो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो चाय पे चर्चा तो हम लोगों ने बहुत की है, लेकिन समोसे पे भी चर्चा करेंगे। पर आप जरा ये बताइए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव बहुत नजदीक है, 10 फरवरी को आप किसे जाके वोट देंगे? हमें योगी जी को। क्यों, रीजन क्या है? गुंडागर्दी खत्म है और जो काम उन्होंने बढ़िया करे हैं, इसमारे हम उसका समर्थन करते हैं। आप किसको समर्थन करते हैं? योगी जी। तो कोई तो वजह होगी, योगी गुंडागर्दी खत्म हो गई, काम बहुत अच्छे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे बड़ा काम बीजेपी योगी जी को देंगे जी हम वोट। तो यहाँ पे तो त्रिकोणीय मुकाबला है, समाजवादी पार्टी भी अच्छा कर रही है, बीएसपी भी कर रही है, बीजेपी योगी जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं जी। इसके अलावा कुछ नहीं है जी, बीजेपी सरकार सबसे बेस्ट है। आप पहले बताओ, लड़कियां रात को 12 बजे घूम सकती थी? किसी हापुड़ का क्या है जरा आप बताइए, मैं तो इसलिए आई हूँ कि जरा यहाँ पे सड़क पे देखूँ कि लोगों की क्या कुछ राय है, यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ की ताजा स्थिति। पहले बताइए, किसी और सरकार में बच्चे घूम सकते थे रात को 12 बजे आराम से घूम सकते थे? नहीं घूम सकते थे। योगी जी की सरकार में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि ये गुंडागर्दी खत्म हो गई है जी, आप समझिए बात को। किसी भी यहाँ पर माहौल बिल्कुल भय मुक्त है, बिना भय के यहाँ पे रात को आप 11 बजे 12 बजे रोड पर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की कानून व्यवस्था ही बहुत अच्छी है, साफ सफाई व्यवस्था जो योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो पिछली सरकार, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, वादे तो बहुत करे लेकिन काम कुछ नहीं करा। जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, जब इनकी सरकार थी सपा सरकार, उसमें ये क्या कि मैं 6-6 घंटे लाइट आती थी, सुबह उठते थे तो लाइट जाती थी, शाम को जब दुकान से बंद करके या नौकरी से आते थे तो लाइट जाती थी, मतलब अंधेरे में खाना खाते थे। ऐसा कोई इन्होंने विकास नहीं करा। अब वोट के लिए तो ये 300 यूनिट फ्री देंगे, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, लेकिन सब ये तो वादे तो बहुत किए जा रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि बस ये वादे ही हैं, खोखले वादे हैं, वादे पूरे नहीं। सही बात है ना जी, योगी जी के काम पक्के हैं पूरे, बस गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी जी। रात को निकलते हैं, बहन बेटी आराम से निकलती है, रात को 12 बजे कोई टेंशन नहीं है। कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना में कैसी व्यवस्था आपने देखी? फिर योगी सरकार अब की बार फिर, लेकिन अखिलेश यादव कर रहे हैं अब की बार भाजपा साफ, इस पे क्या कहेंगे? मैम, अखिलेश यादव कर तो रहे हैं बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने का, लेकिन सरकार मोदी की आएगी और सीट 300 सीट से विजयी होगी, आप 10 तारीख को देख लीजिए। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर के नीचे साइकिल आ जाएगी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के अलावा इस उत्तर प्रदेश को भाजपा के अलावा कोई नहीं सुधार सकता था। पूर्व में भी सरकारें रही हैं, 2012 से 17 तक रही, उससे पहले 12 तक रही, किस प्रकार से लेन देन होता था, अधिकारियों में भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त था, किस प्रकार से लोग मैनेज करते थे, कोई मैनेजिंग नहीं है, सीधी सरकारी नौकरी मिल रही है, और अगर कहीं पर्चा लीक भी होता है तो उसे जल्द से जल्द सरकार दोबारा कराने की कोशिश करती है। लेकिन पहले की सरकार में क्या होता है, एक जाति विशेष की भर्ती होती थी, चाहे वो कोई भी जाति हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, वो सरकार के जो जातियाँ उनको प्रिय लगती थी उनकी भर्ती होती थी, अधिकारियों में हुई या चतुर्श्रेणी में हुई, लेकिन अब सबको बराबर मौका मिल रहा है पेपर देने का, अपनी नौकरी करने का, बिना पैसे के नौकरी लग रही है। पहले हर नौकरी का रेट तय था, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित गोयल है। आपका भी यहाँ पे शॉप है? बिल्कुल। तो किस चीज का दुकान है आपका? स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स की है। तो
कोई दिक्कतें, कोई परेशानी आपके व्यवसाय में, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सरकार की वजह से? अच्छा ही है सब कुछ। और दूसरी बात ये, मैं मोदी जी पे नहीं जा रहा, मोदी जी कंट्री को देख रहे हैं, योगी जी स्टेट को देख रहे हैं। मैं यहाँ के अपने चेयरमैन जो भी बीजेपी के हैं, विजयपाल जी नहीं, चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत जी, विजयपाल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो एज ए विधायक है, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था पिछले 5 साल में बनाई है मोदी जी के स्वच्छता अभियान के जरिए कि आप रात को 10 बजे कहीं भी निकलें पैदल वॉक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको एक भी छिलका, एक भी गंदगी कहीं भी दिखाई, पूरे शहर की व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि आपको शहर में निकल के अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तो गंदगी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं कि गंदगी तो बहुत सारी नजर आ रही है। देखिए देखिए वहाँ देखिए, रात को 8 बजे के बाद आप सफाई, तो सफाई है, टाइमिंग का क्या है कि सफाई 8 बजे के बाद जो उससे सफाइयाँ होती हैं, ये तो हम लोगों के लिए, ये हमारी हमारी कमी है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी तरफ से जो मोदी जी का स्वच्छता अभियान है, उसके बिहार पे उन्होंने इतना अच्छा काम करा है कि बस। तो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान अब हापुड़ के गलियों में नजर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ जी। जैसे कि? जैसे कि रोड अच्छे करवाने और तुम्हारे अच्छी अच्छी योजनाएं लानी, ई श्रम कार्ड अभी बनवाया गरीबों के लिए, उसमें वैक्सीन लगवा ली दोनों, सब वैक्सीन लगवा ली दोनों, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, हम मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत सारे थोक विक्रेता भी है, अब कसेरट बाजार आपका यहाँ का बहुत फेमस है, तो यहाँ पे ट्रैफिक की एक बहुत ज्यादा दुविधा है क्योंकि पतली पतली गलियां हैं, तो कहीं गड्ढे भी हैं, तो इन गड्ढों को भरने का काम, गड्ढा मुक्त कराने का काम क्या कभी हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, अभी हमारे यहाँ सड़क बन रही है, वो कल तक काम चालू होगा इस पर सड़क पर। तो पहले की सड़कों में अभी की सड़कों में कोई अंतर? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर आप? बहुत फर्क। और क्या काम हुआ है? विकास को लेकर बात करें तो विकास को लेकर हमारे संवाददाता जी आगे बताएंगे। अब बीजेपी से हैं तो तारीफ तो बीजेपी की ही करेंगे ना, जरा उनको बुलाइए। अब देखिए वो गली बनवा रहे हैं। अच्छा जरा हम खुद ही चले जाते हैं कि आप गली बनवाने का काम कर रहे हैं, मजदूरों की भी सलाह ले लेंगे, लेकिन क्या चुनाव नजदीक है तो ही गली मोहल्लों में काम चल रहा है या पहले से ही काम जा रही है? पहले चल रहा काम। क्या क्या बदलाव किया आपने? सड़क बन रही है। सड़क बन रही है, कितना घंटा सड़क बनाते हैं, कितना टाइम दे रहे हैं? हम 6 घंटे ले रहे हैं। हाँ हम सड़क पाड़ रहे हैं और बनवा भी रहे हैं। और क्या कहें, परसों की इसमें RCC गिर जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम स्टेट बैंक बिलंसर रोड पे के तिलोक। किसको वोट देंगे इस बार? इन्हें मोदी को देंगे। मोदी जी को देंगे, कमल पे बटन दबाएंगे जाके? क्यों, क्या वजह क्या है? ना सही सरकार आई है इनकी, बढ़िया सरकार आई है, ऐसी सरकार तो आज तक आई ना है। सरकार से कोई दिक्कत नहीं? नहीं है जी। अच्छा तो बहुत ज्यादा काम हुआ है, विकास कार्य हुआ है। सड़कों की बात करें तो देखिए, सड़कों की स्थिति यही है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। हालांकि पतली पतली गलियां हैं, तंग गलियां हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है, लेकिन ये वो व्यवसायी है जो ही वोट देकर अपने विधायक को जितवाते हैं, तो उनका वोट भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आप दूर तक देखेंगे तो पूरा ये थोक बाजार है, इस बाजार का अपना एक अलग ही रौनक है यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है चाचा आपका? दिलीप जैन। कैसा काम हो रहा है, क्या लग रहा है? चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया, किसे वोट देंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी को देंगे, क्यों? बीजेपी को क्यों देंगे, रीजन? सब चोर है हमारे, बाकी सब चोर है। कौन कौन चोर है? समाजवादी पार्टी चोर है, सब भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, मायावती भ्रष्ट, मायावती भी भ्रष्ट है। मायावती ने तो इतना काम किया, आप उनको भ्रष्ट? हाथी बनवाए अपने घर में? नहीं, आप पार्क बनवाए इतने सारे, हाथी भी बनवाए हैं, तो अपने घर के अलावा बाहर भी हाथी बनवाए? हाथी बने हैं सब। बीजेपी ने क्या कर दिया? सब कुछ में क्या, कुछ तो बता। सब चीज है। जैसे आपको क्या सुविधा मिली? सब सुविधा, नाच पानी सब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? चोरी डकैती, दुकान बंद करवा देते हैं रात में, गुंडागर्दी कुछ ना? दुकानों की टाइमिंग को लेके कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, टाइम अपने 8 बजे बंद होती है दुकानें, 9 बजे तक अपने आराम से बंद होती है दुकान, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। चोरी डकैती में कोई सट्टेबाजी पहले बहुत चलती थी, गुंडागर्दी बहुत होती थी, सब चीज खत्म हो गई। हापुड़ में तो सट्टेबाजी बहुत फेमस थी, उसको खत्म हो गई। आप ये बताइए कौन से बाजार में सट्टेबाजी चल रही है? पार्टी पर सट्टेबाजी थी वो भी बंद करा दी गई है, और चोरी डकैती थी वो भी खत्म हो गए, बदमाश सब खत्म हो गए। आप ये बताइए, बच्चे अब आराम से घूम सकते हैं, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और सरकार मोदी जी की ही आनी है। तो आप मोदी जी को जाके वोट दे रहे हैं, आप किस में बटन दबाने वाले हैं? हम फूल पे लगाएंगे बटन, दिखा दिया पहली गारंटी है, हम फूल पे लगाएंगे बटन। यहाँ पे जो है गुंडागर्दी खत्म हो गई, बहन बेटी आराम से बाहर निकल सकती है बिना डर के।
पहले की पता नहीं। तो आप लोग विकास के मुद्दे पे जाके वोट देने वाले हैं, चलिए आगे भी जरा जाएं, जरा लोगों से बातचीत करें। 10 तारीख को आपको जाके बटन दबाना है, किस में बटन दबाएंगे आप? कमल है, कमल कमल का फूल का है। रीजन योगी जी नफा दौर गया। योगी जी के नाम पे वोट देंगे, यहाँ पे कोई काम हुआ है नहीं हुआ? 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, और क्या चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट। आदमी ने बड़े नेता को आप बेकार कह रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री वो तो मुमंडल आदमी है। ये बात तो सही आपने कही, वो 80-20 का हिसाब किताब कह रहे हैं कि 20% योगी जी कह रहे हैं कि 20% उनके। हिंदुस्तान बढ़ गया हिंदू मुस्लिम में अब। तो अखिलेश यादव मुस्लिम सपोर्टर? हाँ मुस्लिम सपोर्टर। इस पूरे एरिया में कोई मुस्लिम है क्या? ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। आप इनसे मिलिए, आप ये हमारे कोशिश देखिए। तो 10 तारीख को कहाँ बटन दबाएंगे आप? यहाँ से ही कमल के बटन पर। रीजन? हम सपोर्टर हैं फूल के। रीजन ये है, सब कुछ करा है योगी योगी सरकार और मोदी सरकार ने। बहुत कुछ बदलाव हुआ, सब सामने है पब्लिक के, बदलाव हुआ जब भी तो वोट देंगे के लिए। तो ये थी मैं हापुड़ के कसेरट मार्केट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, थोक में यहाँ पे काम चलता है, पर यहाँ पे जो जनता है उनका पूरा मत ये है कि वो योगी को वोट देंगे, क्योंकि गुंडागर्दी खत्म हुई है। पहले इन बाज़ारों में सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा होती थी, सट्टेबाजी में भी रोक लगी है, और यहाँ की जनता ने तो पूरा मूड बना लिया है कि 10 तारीख को वो बीजेपी को ही वोट देते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि हापुड़ सीट से कौन से विधायक की जीत होती है, कमल खिलता है या नहीं। पब्लिक ओपिनियन में फिलहाल के इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, हापुड़।